हेलो अगेन एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट दो क्वेश्चन, ठीक है? तो स्टार्ट। क्वेश्चन बड़ा है, जैसे कि मैंने कई बार बोल चुका हूँ और फिर से दोहरा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम ही है नाम बड़े और दर्शन छोटे हमारा, या फिर ऊंची दुकान अब भीगे पकवान। तो ये बड़ा तुमको दिख रहा है कुछ नहीं, बहुत हलवा क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप बस करना करते रहना पड़ेगा तुमको, तुम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लेगा, क्रैक कर लेगा, ठीक है? क्या बोला है? थ्री क्ले मॉडलर्स फ्रॉम कुमार टोली कलेक्टिवली टुक अ लोन ऑफ 1 लाख, कई ढाई सैकड़ा हजार हजार लाख 1 लाख फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक टू सेटअप अ मॉडलिंग वर्कशॉप। दे मेड अ कॉन्ट्रैक्ट दैट आफ्टर पेइंग बैक द एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट ऑफ 21,28,100 रुपीज, दे वुड डिवाइड हाफ ऑफ द प्रॉफिट अमॉन्ग देमसेल्फ इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ वर्किंग डेज एंड द अदर हाफ विल बी इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग देम। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने बस तुमको लूप जलेबी की तरह घुमाया है, ठीक है? अगर तुम क्वेश्चन समझ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एकदम कुछ भी नहीं है एकदम। क्वेश्चन में तुमको एक एक स्टेप करके बोल रहा है कि आधे हिस्से का ये करना है, आधे हिस्से का ये करना है, बस वही तुमको पकड़ना है। क्या बोला है यहाँ तक, अगर हम लोग पढ़े यहाँ तक अगर क्वेश्चन को पढ़े तो क्या बोला है कि तीन तुम्हारा क्ले मॉडलर्स, मतलब जो मिट्टी का मूर्तिकार है, वो लोग एक बैंक से लिए हैं 1 लाख रुपए का लोन एक मॉडलिंग वर्कशॉप फिट करने के लिए। वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए, क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाए कि वो बैंक का इंस्टॉलमेंट देंगे 28,100 रुपये, मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट में से सीधे 28,100 रुपया चला जाएगा बैंक के इंस्टॉलमेंट में। तो जो बच जाएगा, जितना भी रुपया बच जाएगा 28,100 रुपया माइनस करने के बाद जो भी बचेगा, उसको क्या कर रहे हैं, दे वो डिवाइड हाफ ऑफ द प्रॉफिट, उसको वो दो हिस्से में डिवाइड करेंगे, हाफ ऑफ द प्रॉफिट। और जो हाफ जो दो हिस्सों में डिवाइड करें उसमें से एक हिस्सा को वो लोग किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ वर्किंग डेज। वो जो दो हिस्सों में डिवाइड किया उसमें से एक हिस्सा वो नंबर ऑफ वर्किंग डे के रेशियो में डिवाइड करेंगे एंड अदर हाफ विल बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग देमसेल्फ, और जो बचा आधा है वो उसमें इक्वली डिवाइड करेंगे, तीन हिस्सों में, तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है? अभी तक क्वेश्चन समझ में आया क्या? जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 28,100 रुपया वो बैंक का इंस्टॉलमेंट देंगे, जो बच जाएगा उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जो एक हिस्सा होगा उसका नंबर ऑफ वर्किंग डे के रेशियो में डिवाइड करेंगे, और जो आधा हिस्सा बच जाए, मतलब जो जो आधा हिस्सा बच जाएगा उसको तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे। यहाँ तक वही क्वेश्चन बोल रहा है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लास्ट ईयर दे वर्क 300, 275 और 350 दिन। तुमको डे का नंबर ऑफ डेज क्यों दिया हुआ है? क्योंकि बैंक का इंस्टॉलमेंट भरने के बाद जो पैसा बचेगा उसको आधे हिस्से में डिवाइड करेंगे, उसमें से जो पहला आधा होगा उसको हम लोग नंबर ऑफ वर्किंग डेज के रेशियो में ही डिवाइड करेंगे, इसलिए नंबर ऑफ वर्किंग डेज दिया हुआ है। एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,39,100 रुपीज, तो 1,39,100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोगों को निकालना है कि राइटर्स कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ ईच इन दिस प्रोसेस, प्रॉफिट मतलब सबका हम लोग का कितना कितना रुपया प्रॉफिट हुआ है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन तुमको ब्रीफ कर देता हूँ कि तीन हमारा कुमार है जिन्होंने एक बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, उस वो लोग क्या कॉन्ट्रैक्ट किए कि जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आएगा उसमें से 28,100 रुपया वो इंस्टॉलमेंट दे देंगे, जो बचेगा उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, पहले हिस्से को वो लोग नंबर ऑफ वर्किंग डे के रेशियो में डिवाइड करेंगे और दूसरे हिस्से को तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है? अगर उनका प्रॉफिट है 1,39,100 रुपये तो सबको कितना कितना रुपया मिलेगा, वही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? तीन दोस्त ए बी सी मान लिए हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट तीनों मिला के लिए 1 लाख रुपया, कौन कितना रुपया ले हम लोगों को नहीं पता। प्रॉफिट टोटल हुआ 1,39,100 रुपये, बैंक इंस्टॉलमेंट दिया 28,100 रुपये का, तो बचा कितना, 1,39,100 में से 28,100 रुपये माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 1,11,000 रुपया। अब इस 1,11,000 को 200 में डिवाइड करेगा जो आया 55,500, जिसमें से 55,500 रुपये को, 55,500 रुपये को वो नंबर ऑफ वर्किंग डे के रिक्शू के हिसाब में डिवाइड करेगा, और बाकी जो 55,500 रुपये बचेगा उसको किसमें डिवाइड करेगा, उसको इक्वली डिवाइड करेगा, समझ में आया? तो 55,500 को नंबर ऑफ वर्किंग डे के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितना है, ए 300 दिन, बी 275 दिन और सी 350 दिन काम किया, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 12:11:14 आ जाएगा। देखो नहीं लगता अब मेरे को ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो अब यहाँ पे शेयर कितना हो जाएगा, 55,500 को 12:11:14 में डिवाइड करना है, तो 12 तो एक अगर निकालेंगे तो एक का रेशियो भाई समझ दो रेशियो इंटू टोटल, 12 × 37 × 55,500 तो आएगा 18,000, वैसे बी का निकालेंगे तो आएगा 16,500 और सी का निकालेंगे तो आएगा 21,000, समझ में आ गया? अब जो आधा रुपया बचा हुआ है ये तो 5,500, जो 55,500 को
तुम्हारा नंबर ऑफ डेज के रेशियो में डिवाइड किए, और बाकी जो 55,500 रुपया बचा उसको कैसे डिवाइड करेंगे, तीन इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो 55,500 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 18,500 रुपया इसको मिलेगा, 18,500 रुपया इसको मिलेगा, और 18,500 रुपया इसको मिलेगा। मतलब 55,500 को अगर हम लोग रेशियो में डिवाइड किए तो उसको 18,000 रुपया मिला, और 55,500 को अगर तुमको इक्वली डिवाइड किया उसको 18,500 रुपया मिला। तो टोटल ए को कितना रुपया मिला, 36,500 रुपया मिला। सिमिलरली टोटल बी को कितना रुपया मिला, 35,000 रुपया मिला। और टोटल सी को कितना रुपया मिला, 39,500 रुपया मिला। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, बस क्वेश्चन को तुमको लाइन बाई लाइन तोड़ तोड़ के देखना पड़ेगा, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, पूजा उत्तम एंड मेहर स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 5,000, 7,000 और 10,000 इन रिस्पेक्टिवली विद अ कंडीशन। क्या कंडीशन है, मंथली एक्सपेंस ऑफ रनिंग द बिजनेस इज 125 रुपया, पूजा एंड उत्तम विल ईच विल गेट 200 रुपया फॉर कीपिंग द अकाउंट्स, इफ द प्रॉफिट इज 69,000 6960 एट द एंड ऑफ द ईयर, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच वुड गेट। मतलब पूजा उत्तम और मेहर एक बिजनेस स्टार्ट किए 5,000, 7,000 और 10,000 रुपया मिला के। ठीक है, वो लोग क्या कंडीशन किए कि मंथली एक्सपेंस बिजनेस चलाने का जो एक्सपेंस है 125 रुपया पर मंथ लगता है, उसके बाद पूजा और उत्तम जो है उसको 200 रुपया मिलेगा एक्स्ट्रा, किस लिए, तुम्हारा अकाउंट चेक करने के लिए। तो तब जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो 6,960 रुपया है, तो किसको कितना रुपया मिलेगा। यहाँ पे दो कंडीशन है, ये कंडीशन और ये कंडीशन। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहला हम लोग निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना है, 6,960 रुपया। 6,960 रुपया ये क्या मंथली प्रॉफिट है, नहीं, एंड ऑफ द ईयर बोला, ये ईयरली प्रॉफिट है। ठीक है, अब इस 6,960 रुपये में तुम्हारा मंथली एक्सपेंस हट जाएगा, मंथली एक्सपेंस कितना, 125 रुपया करके है, ये एक महीने का मंथली एक्सपेंस है, तो टोटल मंथली एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 125 × 12, उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे तो जितना भी आएगा ये 125 × 12 कितना, 1,500 रुपया, 1,500 रुपया माइनस कर देंगे जो आएगा, 0, 6, 9, 5, 4, 5, 4, 6, 0, उसमें 400 रुपया और माइनस करते हैं। क्यों, क्योंकि पूजा और उत्तम 200 रुपया ले लेंगे, ईच विल गेट 200 रुपीज, तो और से 400 रुपया माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 6, 0, 5, 0, 6, 0 रुपया। अब ये जो 5,060 रुपया है ये किस रेशियो में डिवाइड होगा, उनके अकाउंट क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड होगा। ऐसा समझ में आया होगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट पूजा का 5,000 रुपये है, उत्तम का 7,000 रुपये है और मेयर का 10,000 रुपये है। टोटल प्रॉफिट है 6,960 रुपया, मंथली एक्सपेंस है 1,500 रुपया। अब हम लोग पूजा और उत्तम का शेयर कितना हो गया, 400 रुपया है। अब इस 6,900 में, 6,960 में तुम्हारा मंथली एक्सपेंस भी माइनस होगा और पूजा और उत्तम का शेयर भी माइनस हो जाएगा। ये 200 + 200 कहाँ से आया समझ में, 200 पूजा के लिए, 200 उत्तम के लिए। तो अब बच गया कितना, 5,060 रुपया। 5,060 रुपये में अब इसको हम लोग इसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा, 5,000 × 7,000 × 10,000, 5:7:10 का इन्वेस्टमेंट का रेशियो। पूजा का रेशियो हो जाएगा 5/22। अब यहाँ से समझ में आ ही गया होगा, मतलब तुमको 5,060 को 5:7:10 के रेशियो में डिवाइड करना, तो पूजा का शेयर, उत्तम का शेयर और मेयर का शेयर निकल जाएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, अगर तुम उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ दोगे तो चुटकियों में पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो मैं भूल गया था, माफ करना, एक चीज मैं भूल गया था कि पूजा को तो ये 200 रुपये ऐड करना है ना, पूजा और मेहर को जो 200 रुपये मिला है ये 200 रुपये तो ऐड करना मैं भूल गया। तो 11,500 में ये 200 रुपये ऐड हो जाएगा, तो 11,050 में 200 रुपये ऐड हो जाएगा, 13,050 रुपये, 1,350 रुपये, और 1,610 रुपये में ये 200 रुपये ऐड हो जाएगा, तो 1,810 रुपये। ठीक है, यहाँ पे मैं भूल गया था, माफ करना, कि टोटल शेयर ऑफ पूजा कितना हो जाएगा, 1,350 रुपये, टोटल शेयर ऑफ उत्तम हो जाएगा 1,810 रुपये, और मेहर का हो जाएगा 20,030 रुपये, 2,030 रुपये। ठीक है, ऐसा समझ में आएगा, पॉज करके इस वीडियो को एक बार क्या बोलते हैं स्लाइड को एक बार अच्छे से देखो, तब तुमको आज समझ में आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे बुक का लास्ट क्वेश्चन है, राइट, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए एक चैलेंज बन के रहेगा कि इस क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व कर लिए मतलब तुम्हारा पार्टनरशिप सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ तुम्हारा दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो पिछले साल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसको इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में मैं तुमको उसे शो करूंगा, जिसको मतलब जो WBSC में आया हुआ है, बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलो बाय।